कंगना जी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है, निकल पाएंगी वो यहाँ से? नहीं निकल पाएंगे, विक्रमादित्य जीतेंगे यहाँ से, भारी मतों से जीतेंगे। विक्रमादित्य जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कंगना जी के लिए मुश्किल है? मुश्किल है। तो मुश्किल हो तो करी की मंडी की बेटी है, मंडी में काम करने के लिए मैं मुंबई से आई हूँ। मंडी की बेटी है, उसका सम्मान करते हम। जो राजनीति हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी है विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल में पेट्रोल डी मंत्री है, युवा नेता है, आने वाला हिमाचल का भविष्य है, आने वाले समय में वो सीएम बनेगा 5-10 साल के बाद। विक्रमादित्य पे भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। कंगना पे भरोसा नहीं? नहीं है भरोसा, काम के लिए प्रति भरोसा नहीं है। वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ठीक है, अच्छा है, सब कुछ अच्छी लगती है, फिल्में अच्छी लगती है उनकी? फिल्म तो अच्छी है, लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, वो ठीक है। लेकिन वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोट कैसे करेंगे, जो हमारे प्रत्याशी है जो नेता के काबिल नहीं है। अच्छा, हाँ नेता के काबिल नहीं, ग्राउंड लेवल में वो काम नहीं कर सकती है जितना विक्रमादित्य कर सकता है। भाई साहब आपको क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य जो दिल्ली जा रहे हैं कंगना काम नहीं कर पाएंगे क्या, अगर संसद में पहुंच गई? वो देख के लगेगा, बता आप जानते हैं। वो तो कह रहे कि हम जो है हिमाचल को नंबर वन बनाएंगे, कहने को तो कहीं कुछ कह सकते हैं ना। अच्छा, कहने को तो मैं भी कह दूंगा। भाई साहब कैसी लगती है कंगना आपको? कंगना नेता नहीं अभिनेता है। अभिनेत्री कैसी लगती है? तो एक्टिंग करने में तो ठीक है। तो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? काहे को डालेंगे वोट, उसका क्या विश्वास, उसका विश्वास उसके घर वालों को नहीं है। जो 12 साल की भाग गई है उसकी हिस्ट्री पढ़ो आप, जो 12 साल से घर अपने माँ बाप को छोड़ गई, वो कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या विकास करेगी? काम करने के लिए गई है ना मुंबई, काम करेगी? काम कर रही, देखिए दुनिया में नाम क्या, नेशनल अवार्ड जीते। और इतने हमारे इतनी आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, उससे पहले कोरोना आया, उसका योगदान एक एक क्लिप मेरे को बता दे आप तो हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। अब वो नेता के काबिल नहीं है। नेता जो यहाँ से प्रत्याशी है आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी, भरोसा है? अरे भरोसा क्या, दुनिया और अभिनेता में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है सर। यहाँ कोई अभिनेत्री ठीक है कंगना जी, नेता ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसको ठीक नहीं है। अरे आप इंटरव्यू लीजिए नियर भाई, आप उससे पूछिए पेंशन कैसे लगती है, क्या उसकी फॉर्मेलिटी है, बता उसको, उसको पूछिए कि उस भारत कुछ भी चीज पूछिए भाई साहब, उसको पूछिए कि भारत कब आजाद हुआ, 2014 में उसके दादा परदादा वो कहाँ से, हिमाचल की संस्कृति भारत में पैदा हुई थी क्या? एक बात बताइए तो भरोसा इस बार क्यों नहीं कर रहे आप लोग कंगना पे? नहीं 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 नहीं, यहाँ सिर्फ मुंबई बॉम्बे में ठीक है, हिमाचल है देवभूमि है, ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये नहीं चलेगी इधर की भूमि है, हिमाचल को नंबर वन बनाए, नहीं चलेगी। मंडी में विकास करेंगे, मंडी में नहीं हुआ करके दिखाएंगे। मंडी में विकास राजा साहब के टाइम में हुआ, जो भी हुआ है राजा वीरभद्र सिंह के टाइम में, उसे तो ये नहीं पता है प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ मंडी में जो जो सरकार धरातल पे उतरी हुई है, जिसने आपत्ति में काम किया है लोगों के लिए, वही सरकार आएगी यहाँ। कौन धरातल पे कौन उतरा आपत्ति में, कौन सरकार काम किया? कांग्रेस ने और सुप्रीम विक्रमादित्य ने, रात दिन मंडी डूबी हुई थी, तब तो यहाँ कोई नहीं आया। सुनिए सर, ओ दिन रात भारी बारिश में पैदल चल के कीचड़ में बारिश में दौड़ा रहा, उस टाइम कंगना जी कहाँ थे ये बताइए, जब उस टाइम भी उसको आना चाहिए थे। भरोसा कर रहे हो कंगना जी पे? नहीं कर रहे हो? नहीं काम नहीं, बिल्कुल नहीं भरोसा, नहीं हमारे को क्यों नहीं भरोसा है? नहीं उससे काम किया नहीं। अरे तो काम जब करेंगे तब नेता बनेंगे ना, जब संसद में जाएंगे। इंडस्ट्री में थी इस टाइम हमारे हिमाचल में मंडी बड़ी थी, मंडी की थी, बड़ा नुकसान हुआ उसका, घर मंडी था, उसने आते करके हेल्प भी की, वो हीरोइन थी, एक बार बना के भेज दिया ना संसद में, तब तो काम करेंगी। नहीं 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 नहीं, हम मंडी से लिया है, सेवा करनी आप लोगों की। ये भी होती है, अपने अमीर खान जी उसने 25,000 करोड़ रुपए से यहाँ भेजा आबाद के लिए, भारी जो नुकसान हिमाचल में हुआ, तो उसके पास क्या काउंटरिंग ढूंढती रही वो, उसको नहीं मालूम हिमाचल में। आप लोगों की सेवा करने के लिए बोल नहीं आई हूँ मैं, मेरा घर इसलिए छोड़ के मंडी में हूँ, मेरा घर हिमाचल में है, वो सोचती है 100 करोड़ की मंडी सुमति है, वो क्या ये हिमाचल के लिए इतनी बड़ी सस्ती हुई, इतना नुकसान हुआ, कुछ कम से कम कुछ रात को उसमें देती हिमाचल के लिए, बात दिया उसने एक पैसा तक नहीं दिया, आई नहीं कुछ, अभी इलेक्शन टाइम हुआ, बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल विक्रमादित्य सिंह के अलावा कोई नहीं चलने वाला है सर, जीरो में कांग्रेस पे भरोसा है 100%, भाजपा में नहीं, जो वादा करती है कांग्रेस वो उसको निभाती है, कोई नहीं है। तो भाजपा भी तो कहती है जो वादा हम करते हैं, मोदी जी कहते रहते हैं कि वो निभाते हैं। आपकी बात की 2 करोड़ नौकरी की कहां गई, वो 10 साल होगी, सुनिए सर इसको नौकरी बताओ, मोदी जी को नौकरी में लगे थे, जो हमारे युवा साथी है, हमारे छोटे भाई है,
वो अग्निवीर पे ही जवाब दे देंगे उनको जो उन्होंने अग्निवीर अग्निवीर से लोग नाराज हैं हिमाचल हिमाचल में क्या पूरे प्रदेश देश में जो पूरा ट्रेनिंग करेगा इतने टाइम में सब कुछ करेगा सारे चीज आ रही एक चीज वही है फिर दो साल के बाद उसको कहाँ जाएगा उसका चार साल के बाद पैसा मिलेगा बिजनेस करो जाके चार साल में लोगों को नौकरी मिलेगी उसके बाद एक अग्निवीर होने के नाते देश की सुरक्षा करने के बाद वो भेड़ बकरी चराएगा घर में आके उसको तो शादी करने के लिए लड़की भी नहीं देगा कोई ना शादी भी नहीं होगी नहीं होगी चार भी मुश्किल हो जाएगी 18 साल का बच्चा भर्ती होगा उसके बाद 22-23 साल की उम्र में घर में आएगा उसका क्या वजूद रहेगा ना शादी भी मुश्किल हो जाएगी नहीं होगी हाल हो जाएगा बुरा हाल हो जाएगा नौकरी करने के बाद चार 5 लाख रुपए जो मिलेगा तो बिजनेस भी तो कर सकता है उससे क्या करेगा उस पैसे से तो शादी का खर्च भी पूरा नहीं होगा उसका जब 22 साल में आएगा तो शादी में लग जाएगा उससे ज्यादा तो वो क्या करेगा बेचारा फिर आके वो डिप्लोमा करे उसके बाद फिर वो नौकरी ट्राई करे तब जाके वो नौकरी मिलेगी उसको ऐसे कैसे चलेगा ऐसा नहीं है की राजनीति नहीं सच की राजनीति कौन करता है भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है वो तो कह रही कि सच के साथ हम जाते हैं मोदी जी कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं क्या किया बताइए आप बता दिए सर वो कह रहे कि 10 सालों में बदल दिया देश बदल गया क्या बदला उन्होंने लाल आंख दिखा रहे नहीं दिखा आपको क्या चाइना को लाल आंख दिखा रहे पाकिस्तान डर रहा कांप रहा है हमें चाइना से मतलब नहीं ना हमारे नौजवान इतने भारी नौजवान बेरोजगार घूमे 15 लाख नौकरियां 400 जम्मू कश्मीर में हमला हुआ सीआरपी आपके हमारे 40 जवान शहीद हो गए वो कैसे हो गए कहाँ से आया जब पोस्टे वहाँ पे थे जब बदला लेने लिया घुस के मारा नहीं पाकिस्तान में जाके किसने देखा किसने देखा हमारे जवान यहाँ शहीद हुए हमने उसे देखा उनकी आत्मा को देखा हमने उनकी महिलाओं को देखा उनके बच्चों को देखा रोते हुए परिवारों को देखा हमने कैसे रो रहे हैं कैसे घर चला रहे हैं वो देखा 400 किलो अध्यक्ष कैसे आए हिंदुस्तान में ये 400 पार की बात कर रहे हैं 400 अध्यक्ष कैसे आया इस बार 100 पार नहीं गई कैसे आया लेकिन उसका बदला तो लिया क्या बदला लिया पाकिस्तान में घुस के मारा किसने देखा पाकिस्तान में घुस के मारा देखा किसने बड़े बड़े फाइटर प्लेन गए थे देखा नहीं देखा कौन मारा क्या मारा किसने मारा किसने देखा नहीं लेकिन हम तो जो हमारे जवान शहीद हुए हमारे भाई देश में रक्षा करते हैं उनको हम उनको देखते हैं उनके परिवार को देखते हैं उनके बच्चे को देखते हैं हम कैसे उनका परिवार चल रहा है कैसे उनके बीबिया जो घर में विधवा मन के बैठी हुई है वो देख रहे जब गवर्नमेंट जी कह रहे की सेवा कर रहे हैं सुनो कहाँ सेवा हुई भाई साहब बताओ सुनो मेरी बात सेवा हो रही सुनो सर क्या चाहिए 24 बदलाव लक्ष्मण जी सर बीजेपी वालों के हमला करवा देते हैं बस ये हो गया सुनो सर 24 में क्या चाहते कांग्रेस सरकार चाहते आ रही है आ रही है 400 बार आ रही है हिमाचल में 4 सीटें सुनो सर कंगना जी अपने कार्यकर्ता पर हिमाचल के नेताओं पर विश्वास नहीं है उसको उनको अपने हेलीकॉप्टर से गाड़ी में नहीं बिठाया तो करे की 400 सीटें आ रही आप बता रहे हो कांग्रेस सरकार आ रही सेंटर में आ रही है सर उसमें कोई दो राय करेगी 400 के पार कौन 400 के पार है 100 के पार भी नहीं होगी।